हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली। आपको स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल रूपालीज किचन एंड लाइफस्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे एक बिरयानी। तो उसके लिए मैं ली हूं 5 उबला हुआ अंडा, आधा किलो के करीब चावल, बासमती चावल इंडिया गेट वाला मैं ली हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक बड़ा वाला प्याज को पीस ली हूं, 2 मीडियम साइज टमाटर को पीस ली हूं, और प्याज को फ्राई करने के लिए 2 बड़ा वाला प्याज ली हूँ। और मसाला में बिरयानी मसाला, थोड़ा सा खड़ा मसाला, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ये गरम मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चावल बनाने के लिए मैं यहाँ पानी चढ़ा दी हूँ, देखिए पानी थोड़ा उबल रहा है। अभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए हमारा चावल पक चुका है, इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 50% ही पकाएंगे। अभी हम इसे ड्रेन कर लेंगे। अभी हम अंडा को फ्राई करेंगे, इसलिए पहले तेल में थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, अभी हम अंडा को दे देंगे। मैं यहाँ रिफाइंड तेल यूज की हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा एक जो है वो हो गया है, अभी हम इसे निकाल देंगे। अभी हम प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ इसका दूसरे कढ़ाई में तेल ले ली हूँ, जिसमें मैं कुछ और चीज़ें भी फ्राई की थी उसी में मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। जब आप बिरयानी बना रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह का बिरयानी हो, चाहे एग बिरयानी हो या चिकन बिरयानी या वेज बिरयानी, उसमें फ्राई किया हुआ प्याज का रोल बहुत बड़ा होता है। देखिए हमारा प्याज हो रहा है, प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा गोल्डन ब्राउन, काला नहीं करना है, बस लगभग हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। प्याज हमारा ऐसा होना चाहिए, आप एक प्लेट में निकाल दीजिए। अभी से देखिए हमारा प्याज ऐसा होना चाहिए, क्रिस्पी, पूरा क्रिस्पी होना चाहिए। अभी हम अंडा के लिए मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सेम कढ़ाई ले ली हूँ जिसमें अंडा फ्राई की थी। तो अभी हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ा मसाला, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। अब उसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ प्याज को। थोड़ा सा चलाना है, प्याज हमारा हो रहा है, हो गया लगभग। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट,
दो चम्मच चलाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक, फ्लेम को सीम करके 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। मसाला हुआ है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा सा चिली पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। और 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। अभी हमारा मसाला बन चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखें। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करते वक्त अब फ्लेम को सेम ही रखिए, थोड़ा सा चावल हम देंगे और थोड़ा सा साइड में रखेंगे। इसको धीरे धीरे चलाएं ताकि चावल टूटे ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को हम ऐसे फैला देंगे और उसके ऊपर ऐसे 3 ठंडा कर रख देंगे। उसके बाद जो चावल हम साइड में रखे थे उसको ऐसे दे देंगे। थोड़ा सा हम चावल बचा लेंगे। थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐसे दे देंगे। फिर से थोड़ा सा चावल दे देंगे। बाकी जो बचा हुआ प्याज है उसे दे देंगे। और थोड़ा सा धनिया पत्ता दे देंगे। दो ठंडा ऐसे रख देंगे। अभी थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर छिड़क देंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के हमारा बिरयानी जो बनके रेडी है, अभी हम इसे सर्व करेंगे।
देखिए हमारा इंस्टेंट बिरयानी बनके रेडी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजिए। अगर आपको मेरे रेसिपी से कुछ भी शिकायत है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसे सुधारने के लिए। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।